हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुए 1 महीना हो गया। मैंने 3000 वॉचर्स पे ही मोनेटाइज कर लिया था और 1 महीना पहले ही मैंने मोनेटाइज कर लिया था। और यूट्यूब ने जो इतना अच्छा फीचर दिया, इतना इंपॉर्टेंट फीचर दिया है जिससे कि मैं मतलब अपने चैनल पे यूट्यूब से अर्निंग कर सकता हूँ, उस फीचर को मैंने आज तक एनेबल नहीं किया। उसका रीजन क्या है कि मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। और जैसा आप लोगों को पता होगा कि मुझे इतना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है कि मैं थोड़ी मोड़ी जो भी ट्रेवल शूट है उसको कर सकता हूं, लेकिन इस फीचर का मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि ये जो फीचर ये यूट्यूब ने दिया है अर्निंग करने का, इसी में मुझे ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। तो आप लोगों को कितना कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हुआ, और जब मैंने प्रैक्टिकली उस चीज को किया तब जाके मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगर आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आप क्रिएट करना चाहते हैं चैनल, और आपका चैनल हो सकता है मोनेटाइज होने वाला हो या फिर अभी ऑफ मोनेटाइजेशन हो गया हो, लेकिन अगर आपने इस फीचर को अभी तक एनेबल नहीं किया है, और वो फीचर कौन सा दोस्तों, शॉपिंग फीचर, यूट्यूब का जो शॉपिंग फीचर है इसको अगर आपने अभी तक एनेबल नहीं किया है जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। जब आपका 3000 वॉचर्स से आपका चैनल मोनेटाइज होता है, मतलब 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉचर्स से, या फिर 500 सब्सक्राइबर्स और 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज से आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तब आपको ऐसा कुछ फीचर्स मिलते हैं जैसे कि मेंबरशिप हो गया और सुपर चैट हो गया। इन सबको एनेबल करना पड़ता है, और साथ ही शॉपिंग, ये सबको एनेबल करना पड़ता है। तो मैंने मेंबरशिप और सुपर चैट को तो एनेबल कर लिया था, जब हुआ तभी 1-2 दिन में ही मैंने इन दोनों को एनेबल कर लिया, लेकिन जो शॉपिंग फीचर था उसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था कि कौन सा स्टोर को कनेक्ट करें और कौन सा स्टोर कनेक्ट ना करें और कौन सा करने से क्या होगा, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। उसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, उसके बाद ही मैंने उस फीचर को एनेबल करके आपको वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जब भी YouTube हमारा चैनल को मोनेटाइज करता है, मतलब 500 सब्सक्राइबर्स और 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज से, या फिर 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉचर्स से, इससे हमारा चैनल हाफ मोनेटाइज होता है, मतलब फुल कंप्लीट मोनेटाइजेशन नहीं होता है जब एड से हमको पैसा नहीं आता है। सिर्फ ये जो तीन फीचर है, तीन फीचर से हमको पैसा आता है, तो इससे ही हमको अर्निंग करना पड़ता है जब तक हमारा 4000 वॉचर्स कंप्लीट नहीं होता। तो अगर आपका भी कोई चैनल है और आपका भी हाफ मोनेटाइजेशन हो गया है और आपने इनेबल नहीं किया है, या फिर चैनल है और अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा। जब मुझे इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग भी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, तो मैं आपको उसमें आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है दोस्तों, जो शॉपिंग वाला फीचर है उसको कैसे ऑन करना है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्या उसमें हमको पैसे लगते हैं, क्योंकि उसमें जो बहुत सारे शॉप्स होते हैं जैसे कि शॉपिफाई, फोर वॉल, स्प्रेड शॉप, ये सब बहुत सारे स्टोर होते हैं, लेकिन कौन सा हमको करना चाहिए और कौन सा हमको नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन किसी किसी में है कि हमको चार्ज देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, तभी हम उसको एनेबल कर सकते हैं और वो फीचर भी अच्छा देता है। लेकिन आपको फ्री में कौन सा कर सकते हैं उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप इस फीचर को कैसे एनेबल कर सकते हैं। आपको भी अपना यूट्यूब का स्टोर कनेक्ट करना है, अपना यूट्यूब का शॉपिंग फीचर एनेबल करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर में। अगर आपको ओपन नहीं करना आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो studio.youtube.com लिख लेना, और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो अर्न का सेक्शन है इसको आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अर्न वाले सेक्शन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग वाला फीचर है नीचे, तो यहाँ पे शॉपिंग वाले फीचर पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर मिलेंगे, विक्स, फोर्थ वॉल, शॉपिफाई, स्प्रेड शॉप, स्प्रिंग, और यहाँ पे टी पब्लिक। यहाँ पे पहले सिर्फ ये 3-4 ही था, लेकिन अभी यहाँ पे बढ़ते जा रहा है और हो सकता है फ्यूचर में और भी बढ़े। तो मैं यहाँ पे स्प्रेड शॉप कैसे कनेक्ट करना है वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ आप देख सकते लेट्स गेट स्टार्टेड या फिर लॉग इन नाउ दिखा रहा है। तो आपको अगर अकाउंट ऑलरेडी है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, मतलब आपका कंट्री कौन सा। तो मैं यहाँ पे सर्च करने बिना यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर देता हूँ इंडिया, और अगर आपका कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान, USA, कोई भी कंट्री है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने में यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट है, लेकिन इसमें इंडिया अगर हमको सेलेक्ट करना है तो नहीं हो पाएगा,
है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंट्री नहीं है, यहाँ पे ये है कि आपको पे कैसे, पेमेंट कैसे करना है, मतलब जो भी आपको पेमेंट आएगा स्टोर कनेक्ट करने से वो पेमेंट कैसे लेना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसडी, यूएसडी का मतलब यूएस डॉलर है। तो आपको जो भी डॉलर चाहिए या जर्मनी का या फिर फ्रांस का, कोई भी आप अगर डॉलर सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर फॉर फ्री नाउ पूछ रहा है, मतलब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा सेलेक्ट करके ये सब एंटर करना, और आपको ईमेल आपको कौन सा डालना है, आपका जो ईमेल आईडी है यूट्यूब चैनल का उसी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी डाल के एंटर किया, लेकिन उसमें मुझे ऐसे ट्रायगन दिखाया। तो आप यहाँ पे अपना यूट्यूब का ही ईमेल आईडी डाल के एंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, और पासवर्ड आपको रहना चाहिए 10 कैरेक्टर्स होना चाहिए, एक अपर केस लोअर केस लेटर और नंबर, मतलब कैपिटल स्मॉल लेटर और नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर लिया, स्ट्रांग पासवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है राइट सभी, और उसके बाद हमको कैप्चा एंटर कर लेना है, यहाँ पे राइट टिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो टिक बॉक्स है इसको भी हमको एनेबल कर देना है। उसके बाद हमको गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग इन विद गूगल, मतलब यूट्यूब का आपको अकाउंट को यहाँ से लिंक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ आपको जो भी आपका यूट्यूब चैनल का ईमेल आईडी है उसको आपको सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी सेलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी आपका यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रो विद यूनस यहाँ पे लिंक हो रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे हमारा स्प्रेडशॉप का अकाउंट ओपन हो गया, सिर्फ अकाउंट ओपन हुआ है, उसके बाद और भी प्रोसेस है वो भी आप देख लीजिए दोस्तों। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। अगर आप इसको नहीं करते आगे का स्टेप, तो आपके यूट्यूब चैनल पे जो है कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको इसको करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट कर सकते हैं, और क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी लोगो आपको खुद से यहाँ पे अपलोड करना होगा, डिजाइन करके आपको अपलोड करना होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नो डिजाइन नो वरीज, तो यहाँ पे आपको ट्राई नाउ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हैं नो डिजाइन नो वरीज में आपको क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट क्विकली एंड इजिली इवन विदाउट ए फिनिश डिजाइन, देर आर बेसिकली टू ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ग्राफिक सर्विस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद देख सकते हैं अपलोड स्टेटस, मतलब यहाँ पे खुद से जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो रहा है डिजाइन, कोई भी डिजाइन वो खुद से क्रिएट करके दे देगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग दिखा रहा है, उसको थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस होके आ गया, ऑटोमेटिक कोई भी डिजाइन दे रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं इसको हम अपने कोई भी ब्रांड में कोई भी प्रोडक्ट में टैग कर सकते हैं, और करने के बाद हम इसको सेल कर सकते हैं। सेल कैसे करना है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस अकाउंट पे क्लिक करके और भी बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है डिजाइन अपलोड करने के, तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक्टिवेट करना है, स्प्रेडशॉप को एक्टिवेट करना। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट हमने कर लिया, फिर डैशबोर्ड में हम जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेकंड स्टेप सेटअप स्प्रेडशॉप, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में किया वो सेटअप था, और उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट स्प्रेडशॉप, तो हम इसको क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमको एक्टिवेट करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैं हमारे चैनल का जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो गया, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स का वेबसाइट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लॉन्च शॉप का ऑप्शन, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे दिखेगा। देख सकते हैं ऐसा आपको वेबसाइट दिखेगा, और यहाँ पे लॉन्च शॉप का ऑप्शन है, इसको आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे, ऑलमोस्ट देयर जस्ट वन लास्ट थिंग, कंपनी है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इंडिविजुअल क्रिएटर है तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको फिल कर देना एज इट इज। मैं यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एड्रेस, और यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे जो आपका अगर बिल्डिंग का नेम है कुछ तो उसको डाल लेना, और यहाँ पे सिटी या टाउन उसको सेलेक्ट करके आपको डन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप डन क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड हो रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं अगर आपका यहाँ पे गलत एड्रेस है, मतलब यहाँ पे जो रेकमेंड करेगा उसको आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, आप अपना एड्रेस डालते हैं, तो यहाँ पे प्लीज यूज अ वैलिड फॉर्मेट दिखेगा और यहाँ पे नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे फिर से आपका एड्रेस चेंज करके यहाँ पे कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। और दोस्तों एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कुछ समय लोड होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं बूम योर शॉप इज नाउ ओपन, मतलब यहाँ पे आपका शॉप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी आपको यहाँ पे हुआ है कि नहीं वो दिखाने के लिए मैं आपको आगे यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप शॉप ओपन करते हैं तो आपको 14 डेज के लिए यहाँ पे 25% ऑफ मिलेगा, मतलब आप अपने कस्टमर्स को कूपन कोड दे सकते हैं जिससे कि उनको 25% ऑफ मिलेगा। जब भी वो आपके वेबसाइट पे विजिट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कूपन कोड 14
14 डेज के लिए उनके लिए दिखेगा। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना होगा। आपको सेलेक्ट करके आपका जो भी टी शर्ट है उसको भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। सिर्फ शॉप क्रिएट हो गया है तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना है प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन पेज पे मैं फिर से आ गया हूँ। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शॉपिंग फीचर में यहाँ पे मतलब कुछ और दिखा रहा है, पहले दूसरा जैसा दिखा रहा था, अभी हमारा स्टोर कनेक्ट हो गया है स्प्रेड शॉप ग्रो विद यूनस। अभी तक नो प्रोडक्ट्स, मतलब अभी तक हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया। तो हमको यहाँ पे स्प्रेड शॉप पे जाके यहाँ पे हमको प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसका डिजाइन करना होगा, मतलब वो भी मैं कैसे करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करेंगे और पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमका जो डिजाइन था उसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टी शर्ट्स और हुडीज और ये बहुत कुछ कप और बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो हमको जो डिजाइन है वो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप कोई भी लोगो या फिर कुछ भी क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो टी शर्ट के ऊपर दिख रहा है डिजाइन वैसा आपको दिखेगा। तो ये डिजाइन मुझे अच्छा भी लग रहा है तो मैं यहाँ पे सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं आप यहाँ डिजाइन साइज यहाँ पे सब दिख रहा है। तो आप इसका डिजाइन को साइज को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, देख सकते हैं छोटा चाहिए या फिर आप और बड़ा करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो YouTube ने रेकमेंड किया स्प्रेड शॉप ने उसी को मैं रहने देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बैक पे जाके वहां भी आप अगर आपको डिजाइन चाहिए तो वहां पे भी आप डिजाइन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिजाइन अगर आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो ये डिजाइन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ्रंट और यहाँ पे भी अगर आपको ऐड करना है तो बैक सेलेक्ट करके आपको डिजाइन ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट सिर्फ रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे। डन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिजाइन एक क्रिएट हो गया। अब सिर्फ एक ही क्रिएट हुआ, ऐसे ही आप बहुत सारे डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे जाके और प्रोडक्ट्स टेम्पलेट्स पे जाके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक दिखा देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ सारे प्रोडक्ट्स के बाद आप यहाँ पे आके थोड़ा सा ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। और यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब हो गया डन यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लास्ट में डन कर देंगे यहाँ पे, जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे। अब इसको हमको यूट्यूब पे कैसे लाना, यूट्यूब पे कैसे आएगा ये, अभी हमने सिर्फ 8 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं तो सारे 8 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं और भी आप प्रोडक्ट्स ऐसे ही ऐड कर। और बहुत ध्यान से देखो दोस्तों, क्योंकि जो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा उसको आप समझने के बाद आराम से इसको कर सकते, क्योंकि मैंने एक महीना जो चैनल मोनेटाइज होने के एक महीने तक मैंने शॉपिंग फीचर को एनेबल ही नहीं किया, मुझे इतना कंफ्यूजिंग लग रहा था ना। फिर बहुत रिसर्च करने के बाद मैं अभी कर रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे 8 प्रोडक्ट सेलेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप ऑल प्रोडक्ट्स पे भी क्लिक करके यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स आप चाहे तो इसको ऐसे क्लिक करके एनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8 प्रोडक्ट सेलेक्ट है तो मैं ऑटोमेटिक रहने देता हूँ, बाद में आप चाहे तो और भी सेलेक्ट कर। उसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर दें। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई वाला ऑप्शन है, तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सब में आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमको डिजाइन का नाम लिखना होगा। तो अगर आपका कोई भी डिजाइन का कुछ नाम है या फिर आप नेम करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे रहने देता हूँ इसका डिजाइन का नाम। और उसके बाद उसका कुछ डिस्क्रिप्शन जो भी आप यूट्यूब पे शो होगा उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टैग्स लगाने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टैग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी देख सकते हैं जैसे यूट्यूब वीडियो में टैग्स डालते हैं यहाँ भी बहुत सारा टैग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टैग एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी अगर कोई किसी को आपका प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आपको टैग के जरिए वो सर्च करेगा तो उनको ये जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपका परचेज जो है ज्यादा होगा, उससे आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पहले तो अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ और उसके बाद अपना नाम भी लिख लेता हूँ। और जो भी टैग्स रहेगा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन और जो भी डिजाइन ब्लैक हुडी ब्लैक टी शर्ट वैसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। और बहुत सारे जो भी टैग्स आपको रहेगा वो आपको एंटर कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सब नेम करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। पब्लिश जैसे आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो तीनों स्टेप्स है तीनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्प्रेड शॉप के बारे में कैसे पता चला, वो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे हमने यूट्यूब से पता चला था, हम तो यूट्यूब से, आपको भी यूट्यूब से पता चल रहा है तो यूट्यूब सेलेक्ट करें और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। और यहाँ पे हमारा स्प्रेड शॉप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेन का 3 वुमेन का 2 और एक्सेसरीज 2 और स्टिकर्स 1, मतलब यहाँ पे 8 प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। और वो सब करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट्स है वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाएगा, उसको आपको क्रिएट ओन सिलेक्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अभी क्यों नहीं दिखा रहा इमीडिएटली, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, अप्रूव होने में टाइम लगता है, वो थोड़ा सा 2-4 घंटा आपको या फिर एक दिन आपको टाइम लगेगा अप्रूव होने में। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले प्रोडक्ट्स ऑन चैनल इसको भी आपको एनेबल कर देना। और
उसके बाद दोस्तों आपका स्टोर जो है एनेबल हो जाएगा, प्रोडक्ट्स आपका कोई भी खरीद सकता है और जो भी खरीदेगा आपको कमीशन मिलेगा और यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, पोटेंशियल अर्निंग्स और यहाँ पे सब आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका है अर्निंग करने का। तो आप लोग भी स्प्रेड शॉप एनेबल कर लीजिए और जो भी शॉपिंग फीचर है उन सबको एनेबल कर लीजिए, तो आपका यूट्यूब अर्निंग में बहुत सारा बूस्ट मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट कर दीजिए कौन सा शॉप आपने कनेक्ट किया है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।